बढ़ती उम्र और बीमारी की वजह से महीनों मीडिया से दूर रहे नेताजी आज सामने आए, वो भी उनके लिए जो अक्सर अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। आजकल वो जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर शासन से लेकर प्रशासन तक चर्चा का विषय बने हुए हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में मुलायम सिंह यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आजम खान का बचाव था। मुलायम ने आजम को गरीबों का मसीहा बताया और ये भी कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में आजम के खिलाफ साजिश की जा रही है। हमारे साथी और प्रमुख नेता आजम खान लोग भीख मांग करके चंदे से बनाई है यूनिवर्सिटी, और जिसमें मेरा भी सहयोग और हमारे साथियों का सहयोग रहा। यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए मैंने जैसा बताया, सैकड़ों बीघा जमीन खरीदने वाला ऐसा 150 बीघा जमीन की बेईमानी कर नहीं सकता। मात्र 2 बीघा जमीन के लिए 27 गंभीर धाराओं मुकदमा दर्ज किए गए। जिंदगी भर गरीबों के मजदूरों मजूसों के हक की लड़ाई लड़ने वाला आजम खान कैसे जालिम और गरीब विरोधी हो सकता है? जालिम शब्द इस्तेमाल किया गया है। अब आप तो जानते हैं कि कैसे जालिम हो सकते हैं वो। हम उत्तर प्रदेश के सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील करते हैं कि आजम को अपमानित करना, अन्याय करना और जिस तरह से उनकी बेइज्जती हो रही है, उसके लिए सारे हमारे कार्यकर्ता नेता तैयार हो जाएं कल ही और पूरे प्रदेश में आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, और इस आंदोलन हम खुद खड़े होंगे। इसलिए मामूली बात नहीं है। आप सब ये अपील है कि आजम खां कैसे नेता हैं, कि आजम खां के बारे में आप जानते हो, कोई गलत काम नहीं कर सकते, किसी से पैसा नहीं ले सकते, रिश्वत नहीं ले सकते, कोई भी जीवन में ऐसा काम नहीं कर सकते। तो ऐसे समय में हम आप चाहते हैं, हमारी अपील है, प्रार्थना है कि आजम के बारे में जो हो रहा है अन्याय, उसके खिलाफ भी लिखें, और जो आप जानते हैं उनके बारे में कुछ अच्छी बहुत सी बातें वो भी लिखें। हालांकि आंदोलन के दिन और तारीख अभी तय नहीं हुए हैं, लेकिन अपने चहेते आजम से 3 दशक से भी ज्यादा पुरानी दोस्ती के लिए जब पार्टी ने आवाज बुलंद नहीं की तो खुद मुलायम ने मोर्चा संभाल लिया। आजम के पक्ष में मुलायम क्या खड़े हुए, सियासी सुगबुगाहट भी अब शुरू हो गई है। देखिए, भी किसी राजनेता के सही और गलत होने का ये मामला पूरी तरह से कानून पर छोड़ना चाहिए, अधिकारियों पर छोड़ना चाहिए, लेकिन आज जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों को फंसाने का एक अभियान से चला रखी है, ये कतई उचित नहीं है। ये सिर्फ बदले की भावना से ये काम कर रही है सरकार। लेकिन एक बात जरूर है कि जब आजम खान के खिलाफ ये सारी चीज़ें चल रही थी, सारे कवायदे भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, उस समय कहीं न कहीं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपनी बातों को खुल करके कहना चाहिए था, विरोध दर्ज कराना चाहिए था। एक अच्छी बात है, जो मित्र है और गलत और सही की बात तो कानून तय करेगा, लेकिन उसके साथ खड़े होने दिखना दिखना चाहिए, और मुलायम सिंह जी ने आज एक अच्छी पहल की है। मुलायम सिंह जी अपने मित्र के समर्थन में जिस तरह आए, पहले भी पब्लिक डोमेन में इस तरह की कई बातें कर चुके हैं जो समाज के लिए उचित नहीं रहती, और उन्होंने आज भी अपने मित्र का पक्ष रखा। पर कानून अपना काम करेगा, और कानून के नज़र में आजम खां हो या मुलायम सिंह हो या कोई अन्य हो, अगर वो दोषी पाया जाएगा चोरी में, ज़मीन कब्जाने में, इस तरह के जो आरोप आजम खां पे लगे उसी के आधार पे मुकदमे दर्ज हुए, और यदि वो दोषी नहीं है तो हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था पे हम सबका, हिंदुस्तानियों का विश्वास है, अदालत में मामले जाएंगे, वो दोषी नहीं होंगे तो अपने आप छूट जाएंगे। कानून को अपना काम करना दे, और कानून के बीच में मुलायम सिंह जी अपने व्यक्तिगत संबंधों को लेकर आजम खां के पक्ष में। अब मुलायम ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन इससे आजम की मुश्किलें कितनी कम होंगी ये देखने की बात है। R9 TV के लिए लखनऊ से संदीप खेर के साथ अनु सिंह की रिपोर्ट।